आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको लोहे के तवे पर पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं मैं आपको बनाना बताऊंगी। देखिए ओवन तो हर घर में होता ही है दाल बाटी बनाने के लिए, तो आप इसी प्रकार से बनाइए लोहे के तवे पर पिज़्ज़ा। और मैं हमेशा निशा जी की वीडियोस देखती हूँ, आप भी देखिए और बनाना सीखिए पिज़्ज़ा। देखिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको इसी प्रकार से सारी सामग्री को मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि सारी सामग्री किस प्रकार से मैंने मिक्स कर ली है, और इसमें आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर मिक्स करना है। उसी प्रकार से सारी सामग्री मिला लीजिए और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसे तवे पर फैला दीजिए, इसी प्रकार तवे पर आसानी से फैल जाएगी यह। आप इसको सारी सामग्री मिक्स करने के बाद करीब 10 मिनट तक रखें, अच्छे से फूल जाएगी, उसके बाद भी तवे पर डालें। इस प्रकार से हाथों से ही फैला दें इसे, इसे चम्मच से या फिर सरे से फैलाएं, इस प्रकार से गीला ना रखें, थोड़ा कड़क ही रखना है आपको। ये देखिए एक साइड से अच्छा सिक चुका है, दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक चुका है, इसी प्रकार से आपको इसे सेकना है। ये देखिए दोबारा मैंने इसको पलट दिया है, मैं इसको करीब 2-3 बार पलट रही हूँ, क्योंकि ये मोटा होता है तो ढंग से सिकता नहीं है, और जब हम सिर्फ एक साइड से सेकते हैं ना तो बिल्कुल बादामी रंग का हो जाता है, हमको ऐसे नहीं बनाना है, ये एकदम सॉफ्ट बनेगा।